डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? देखो बच्चों, अगर हमने लेट किया कि ये हमारा एक कंडक्टर है, ओके, तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लेट करके चलते हैं, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और लेट कर लेते हैं कि इस एरिया में से आई करंट हमारा जा रहा है, टोटल करंट जो जा रहा है इसमें से कितना जा रहा है बच्चों, आई करंट जा रहा है। तो करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी क्या बच्चों? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। क्या होगा बच्चों? इट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कितना करंट पास होगा उसको बोलेंगे हम करंट डेंसिटी। तो इसको हम J से डिनोट करते हैं बच्चों जनरली, तो क्या लिखा जाएगा? J इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, एंड डिवाइडेड बाय A, डिवाइडेड बाय A। अमाउंट ऑफ करंट डेंसिटी पासिंग थ्रू, सॉरी अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू A यूनिट एरिया, J हमारे पास हो जाएगा क्या? करंट डेंसिटी हो जाएगी। अगर देखो मैं इसकी यूनिट निकालू, यूनिट और SI यूनिट की मैं बात करता हूं, SI यूनिट निकालूं, तो देखो करंट की क्या होती है? एम्पियर, और इसकी क्या होती है? मीटर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगी इसकी? SI यूनिट निकल कर आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों इसकी? SI यूनिट निकल कर आ जाएगी, ओके। अब एक केस और लेते हैं, मान लेते हैं ये कंडक्टर है बच्चों, ये जो कंडक्टर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप से, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो थोड़ा सा करंट के साथ, करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं ये है, ओके, करंट के साथ, करंट अगर हमारा इधर फ्लो होता है तो करंट के साथ ये इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर ए, वो मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है। तो करंट के अलोंग, करंट के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों? ए कॉस थीटा। करंट के अलोंग, इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस केस में जो करंट डेंसिटी है वो लिखी जाएगी आई बाय ए कॉस थीटा, और करंट किसके इक्वल हो जाएगा? आई इक्वल टू जे इन जे इनटू ए कॉस थीटा, और करंट हो जाएगा बच्चों इनटू जे डॉट ए। क्या हो जाएगा? करंट जे डॉट ए, ओके, करंट क्या हो जाएगा? जे डॉट ए। तो जे के ऊपर मैंने वेक्टर लगाया, तो जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है बच्चों? इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन हम देते हैं, तो डायरेक्शन देते हैं जिधर हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, वही हमारे पास करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी, अगर मैं लाइट कर लेता हूं, ठीक है, कि ये स्मॉल एरिया में से स्मॉल करंट पास हो रहा है, तो तब फॉर्मूला क्या बनेगा? डी आई इज इक्वल टू J dot dA हो जाएगा, अगर small area dA लिया है, या फिर इसको ds मानोगे तो यहाँ पर ds भी मान सकते हो, ठीक है, small area ds, तो तब integration कर देंगे both side, तो तब हमारे पास current density into area का integration हमें current मिलेगा, यानी I is equal to क्या हो जाएगा बच्चों? J ds का integration हो जाएगा, JDS का क्या हो जाएगा बच्चों? इंटीग्रेशन हो जाएगा उस केस में हमारा करंट। तो ये हमारी करंट डेंसिटी थी, ये बात समझ में आई? करंट डेंसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए यूनिट एरिया, इसकी एसआईट हमने आपको बता दी। अगर थोड़ा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, का जो एरिया वेक्टर है वो अगर करंट जिधर हमारा फ्लो होता है उसके साथ थीटा एंगल बनाता है, तब करंट डेंसिटी हमारी इस फॉर्म में लिखी जाएगी, और करंट हमारा इस फॉर्म में लिखा जाएगा। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है।
और करंट अगर हमें निकालना हो तो जे और डीएस की क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी करंट डेंसिटी का विद रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। चलो अब एक छोटा सा रिलेशन और देखते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं क्या है हमारे पास बच्चों, रिलेशन हम निकाल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी यानी जे एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वी, इनके बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो देखो क्या होगा, वी नो दैट जो करंट डेंसिटी है, सॉरी आई जो है वो किसके इक्वल है, एन ए ई वी डी के इक्वल होता है। और यहां से देखो अगर आई इस ए को मैं इसके नीचे ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, एन ई वी डी, और आई बाई ए किसके इक्वल है, आई बाई ए करंट डेंसिटी के इक्वल है। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ गया, जे हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। तो जे और वी डी के बीच का रिलेशन